हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ आरती। सो कैसे हो आप सब? तो गाइस, मैं आपसे बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ आज शेयर करने जा रही हूँ कि थोड़े दो पता नहीं कौन याद कर रहा है, कंटिन्यू रीच की आ रही है मुझे। पता नहीं, दो तीन दिन से मेरे को बहुत ज़्यादा ऑफ फील हो रहा है, आई डोंट नो द रीज़न। और ऐसा मुझे बहुत रेयर केसेस में होता है, और जब भी मुझे होता है तो मैं बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने लग जाती हूँ, और उस वजह से बहुत सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती है। तो उस वजह से मैं व्लॉग भी नहीं बना पा रही थी सही से, मतलब जो मुझे बनाना था, एंड थोड़ा दिमाग काम नहीं कर रहा था मेरा। तो अचानक से उस दिन मैं बैठ के ऐसी मेरी वीडियोस देख रही थी, तो मेरे सामने जो मैंने जब, जैसे कि आपको पता है सारा फरवरी बॉर्न है, 10th फरवरी को सारा की बर्थडे है। तो जब सारा घर पर आई, तो उसके 1 मंथ बाद मैंने मेरे फैमिली पे एक बहुत ही डेंजर प्रैंक किया था। और वो प्रैंक ये था कि मैंने आपको वो आगे तो पता चल जाएगा, बट मैं बता देती हूँ कि सारा को लेकर मैंने प्रैंक किया था, और बहुत ज़्यादा ही अच्छे रिएक्शंस मिले मुझे। मेरे घर वालों के बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिएक्शंस मैंने कैप्चर किए। आप देखोगे आप एकदम शॉक हो जाओगे, बहुत अच्छे रिएक्शंस मिले हैं मुझे मेरे घर वाले लोग के। मैंने इतने अमेजिंगली ये चीज़ कैप्चर की थी, आप लोग देखना, और बहुत ज़्यादा ही मज़ा आ गई थी। और उस टाइम पे बहुत सारे मतलब मुझे उस टाइम पे इतना वो नहीं था कि मुझे ऐसा करना चाहिए। एकदम अचानक से मेरे दिमाग में ख्याल आया कि ये वाला प्रैंक मुझे करना चाहिए। गाइज, ये आगे मतलब अब ये प्रैंक आपको आगे देखने मिलेगा, तो आप देखकर ये प्रैंक आइए, फिर मुझे आपसे एक चीज़ शेयर करनी है। आ जाइए आप देख के, बहुत मज़ा आने वाली है गाइज। फर्स्ट नंबर का कौन सा है? 34 क्या है वो लगा, इधर बंद कर यार, ये आवाज ने मेरा टॉर्चर हो रहा है। कौन है असला?
नहीं घे तेरा ए घे रे नहीं तेरा भाई मुतने का टाइम नहीं नहीं घे ऐसा ध्यान से ना डिलीट कर बोले यार इसको पप्पी दे पप्पी दे। आपने देख लिया फ्रैंक, आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। एंड सॉरी टू माय फैमिली मेंबर्स कि मुझे ये प्रैंक नहीं करना चाहिए था ऐसा, क्योंकि लिटरली सब बहुत डर गए थे, बहुत रिस्क उठा के मैंने किया, लेकिन मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना अच्छा रिएक्शन मुझे मिलेगा। बट एनीवेज ओके गाइस, तो जो चीज़ मुझे शेयर करनी थी वो ये है कि बहुत लोगों का मुझे कमेंट्स आ रहा था, मतलब मेरे जो शॉर्ट्स थे उस पर भी और इंस्टा पे भी मुझे बहुत लोगों के कमेंट्स आए कि आप कपड़े कहाँ से लेते हो, क्या कहाँ से करते हो। तो गाइज मैंने सोचा है कि क्यों ना मैं गेट रेडी विथ मी का 100 डे चैलेंज लूँ शॉर्ट्स और इंस्टाग्राम पे डालने के लिए। और मुझे ऐसा लग रहा है कि उसमें मैं आपको बता पाऊँगी कि मैं कहाँ से कपड़े लेती हूँ, क्या करती हूँ, क्या नहीं करती हूँ, कहाँ से ज्वेलरी लेती हूँ, कहाँ से सब कुछ लेती हूँ, तो वो मैं आपको बता सकती हूँ उसमें। तो अगर आप चाहते हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि मैं वो चीज़ आपके लिए बनाऊँ। तो अगर आप लोग ने हाँ बोल दिए गाइज तो फिर मैं 100 डे चैलेंज को एक्सेप्ट कर लूँगी और मैं स्टार्ट कर दूँगी आज से। तो आप मुझे ज़रूर बताना। एंड दूसरी चीज़ तो ये है कि जो मुझे जैसे फील हो रहा है दो तीन दिन से, मुझे पता है गाइज ये अच्छी बात नहीं है कि आपको अगर कुछ चीज़ फील हो रही है तो उसके वजह से आप वीडियोस ना बनाओ ये वो, क्योंकि आप मुझे पता है कि आप लोग इतना वेट करते हो हम लोग की वीडियोस का एंड एवरीथिंग। बट गाइज प्लीज़ आई होप आप मेरी सिचुएशन को समझोगे कि थोड़ा मुझे टाइम चाहिए बस इन सब चीज़ों से निकलने के लिए। मैं ज़रूर ट्राई करूँगी कि मैं एक भी गैप ना करूँ, और गैप नहीं करने की एक और वजह है गाइस कि मेरे बहुत ज़्यादा सपने हैं, मेरे बहुत ज़्यादा चीज़ें मुझे मेरे फैमिली वाले लोग के लिए करने हैं, और मुझे जो लोग समझते हैं कि मैं नहीं कर सकती उनको मुझे गलत साबित करना है। मुझे खुद के लिए बहुत सारी चीज़ें करनी है, मेरे बहुत ड्रीम्स है, तो इसके लिए मैं कोशिश करूँगी कि चाहे कुछ भी हो मुझे मैं आपको एंटरटेन करना ना छोड़ूँ। तो गाइज़ मैं बस इतना बोलना चाहूँगी, थैंक यू इतना सपोर्ट करने के लिए। आते हो कि मैं फैमिलीज पर ऐसे ही प्रैंक करते रहूँ तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट में, मैं वो भी करूँगी। और मैं इतना बोलना चाहती हूँ आई लव यू गाइज, थैंक यू सो मच, आप लोग मेरी स्ट्रेंथ हो और आप लोग के बिना कुछ नहीं हूँ मैं। सो गाइज मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी रहेगी सो प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब माई चैनल। एंड और गाइज मैं इतना बोलना चाहूँगी कि अगर आप भी कभी ऐसी सिचुएशन में हो कि जहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, आप डिप्रेस्ड हो या कुछ भी, बस भगवान से प्रे करो सब कुछ ठीक हो जाएगा, उन पे विश्वास रखो, बाकी सब वो देख लेंगे। तो सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।